आपसे एक सवाल और, गुजरात में पूछा जा रहा है, गुजरात में आकर के आप बिल्कुल मानों की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है आप, ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं, हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द नेशन। इस पूरी स्टोरी में मैं आपको दो बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। एक तो बिल्किस बानो मामले पर अरब से आवाज उठने लगी और मजबूती से आवाज उठने लगी, और दूसरी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है या स्टैंड है वो बिल्किस बानो मामले पर पूरी तरीके से फाश हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, ये लोग कह रहे हैं। और इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो मनीष सिसोदिया साहब का सामने आया कि कैसे बिल्किस बानो मामले पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नकार रही कि वो इस मामले पर नहीं बोलेगी, और बिल्किस बानो मामला आम आदमी पार्टी के लिए कुछ है ही नहीं। यानी मुसलमान जो पूरी भरी तादाद में वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को, खासतौर से दिल्ली से, और अब उनकी उन्हीं मुस्लिम वोटर्स की नजर गुजरात में भी है बीजेपी आम आदमी पार्टी के उन मुस्लिम वोटर्स पर, वो सब लोग क्या इस वीडियो को देखकर क्या सोचेंगे कि उनकी पार्टी मुसलमानों को लेकर क्या सोचती है। भाई पूरा सोशल मीडिया इससे गचा पड़ा है। लेकिन सबसे पहले अरब की बात करते हैं। ये हैं अब्दुल्ला अल अमादी, ये ऑथर है, राइटर है, बहुत बड़े मीडिया कंसल्टेंट हैं ये यूएई में। इन्होंने लिखा है कि इट इज रियली पेनफुल बट हु केयर्स अबाउट द पेन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की तकलीफों के बारे में कौन सोचता है। मोदी, एनी वन फ्रॉम हिज गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या मोदी, उनकी सरकार या इस्लामिक कॉपरेशन कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी या फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्या सोचता है कि भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि व्हाट इफ बिल्किस वाज यूक्रेनियन, क्या होता जब अगर बिल्किस एक यूक्रेनियन होती। ये सब कुछ तब जब बिल्किस बानो के जो दरिंदे थे उनका गैंग रेप करने वाले, उनको रिहा कर दिया गया, उनकी 3 साल की बच्ची को मारने वाले, उनके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या करने वालों को छोड़ दिया गया, आदर सत्कार हुआ, और ये सब छुड़वाया किसने, आजाद किसने करवाया, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और किसकी इजाजत से, केंद्र के गृह मंत्रालय अमित शाह साहब के मंत्रालय से। तो ये सब कुछ चर्चा का विषय बना बहुत छोटे में। इनका एक पुराना बयान है, इन्हीं का देख लीजिए। अभी जब दुबई में एक मंदिर खुला है तो 11 अक्टूबर की खबर है कि मुस्लिम मिरर में छपी, अरब डिप्लो यूएई रूलर फॉर न्यू टेम्पल इन दुबई साइट एट्रोसाइट्स ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया। और इनका नीचे बयान है, दूसरे तीसरे पैरा में आप आएंगे अलमंसूर के नीचे है, कॉलमनिस्ट एंड ऑथर अब्दुल्ला अल अमादी सेड दे डिमोलिश अवर मस्जिद देयर, वो हमारी मस्जिदों को वहां तबाह कर रहे हैं, यानी हिंदुओं के लिए कह रहे थे वहां, बट वी बिल्ड देयर टेम्पल्स हियर, लेकिन हम उनके यहां मंदिर बना रहे हैं। दे ब्रेक हर्ट्स ऑफ 200 मिलियन मुस्लिम्स देयर, वो वहां 20 करोड़ मुसलमानों के दिलों को तोड़ रहे हैं, बट वी वर्क टू विन देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ 1 मिलियन हिंदूज हियर, और हम यहां पर 1 मिलियन हिंदुओं के सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। क्या यही एमिरेट्स का कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस है? मैं कहता हूं बिल्कुल वहां मंदिर बने, लेकिन यहां जो मस्जिदों को लेकर बवाल चल रहा है वो थमना चाहिए। जो हिंदुत्ववादी संगठन कुछ उभर आए हैं, पता नहीं सरकार के अख्तियार में रहे नहीं रहे हैं, उनके चाबुक पड़ना बहुत जरूरी है, उनके नकेल डलना बहुत जरूरी, वरना ये लोग इस मुल्क को तालिबान जैसे उभरे थे, अफगानिस्तान कर दिया उन्होंने, वैसे ये कर देंगे। लेकिन हम भारतीय ऐसा होने नहीं देंगे, इनको इनके अंजाम तक ले जाएगा भारत का संविधान। अल अमादी को आपने पढ़ ही लिया, अब जो है आप देख लीजिए, आते हैं उस मेन खबर पर जो अब तैर रही है सोशल मीडिया में, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी मुश्किल में आ सकती है। असल में एबीपी न्यूज के एक संवाददाता गुजरात में मनीष सिसोदिया, जिनसे सीबीआई ने अभी पूछताछ की, उनसे इंटरव्यू ले रहे थे 1-to-1, और उन्होंने पूछा कि बिल्किस बानो के हथियारों के बारे में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है। हमको इससे मतलब है, इसको जिससे मतलब है वो हमको इससे मतलब है, वो कह रहे हैं हम एजुकेशन पे बात करेंगे, हम हॉस्पिटल पे बात करेंगे, हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है उस पर बोले। यानी बिल्किस बानो का मामला जिससे जिसको है, आम आदमी पार्टी के लिए वो मामला नहीं है, जिससे जिसको जिस पे बोलना है, बिल्किस जिसको नहीं है। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी मिस्टर अरविंद केजरीवाल, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है, 20 करोड़ मुसलमानों की बहन, 130 करोड़ आवाम की एक जिम्मेदारी है बिल्किस बानो। आखिर मनीष सिसोदिया ने बता ही दिया कि वो बिल्किस बानो पर बात क्यों नहीं कर रहे। स्वाति दीक्षित ने लिखा है, आंखें खोल के देखो और समझो,
एक राहुल गांधी है विपक्ष के नेता जो खुलकर बिल्किस बानो के लिए कल भी बोले, मोदी सरकार को आईना दिखाया, क्या आपके आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, लाल किले से बेटियों के सम्मान की बात करते हो, उसी दिन बिल्किस के बलात्कारी छोड़ दिए जाते हैं, और आपके लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के मंत्री, केंद्र के मंत्री और गुजरात के सरकार के अच्छे आचरण पे, एक बलात्कारी, एक हत्यारे, एक जघन्य हत्यारे का क्या आचरण है, मैं सोचता हूं ये लोग जिंदा कैसे हैं, इनको फांसी क्यों नहीं दी गई, भाई इनको जेल में रखा ही क्यों गया उम्र कैद के लिए, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस था ये, 3 साल की बच्ची को मारेंगे, 7 औरतों का गैंगरेप, 7 लोगों का मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, सारी औरतों का गैंगरेप करेंगे, बिल्किस का गैंगरेप करेंगे, उसे तो मरा समझ के छोड़ गए थे। निगाह लिखती है इसी वीडियो पर, आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते मनीष सिसोदिया, मैं स्कूल की बात करता हूं, क्या बेटियों की बात करने के लिए अलग प्रवक्ता नियुक्त करोगे, ये कैसी राजनीति है। श्याम मीरा सिंह पत्रकार लिखते हैं, आप पार्टी बिल्किस बानो पर नहीं बोलती, कोई बात नहीं, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो कम से कम ये उम्मीद तो की जाती है कि वो इसकी निंदा करेंगे, लेकिन देखिए एक महिला जिसके परिवार के 14 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसका बलात्कार किया गया, जिसके सवाल पर मनीष सिसोदिया ने क्या जवाब दिया, कहा कि हमको स्कूल से मतलब है, हमको शिक्षा से, जिसको जिसको बोलना है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है, हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं, हमको इससे, हम शिक्षा स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, जिसको जिस पे चलना है उस पे चले, मतलब स्कूल शिक्षा और अस्पताल, इस पे आप बिल्किस पे नहीं बोल सकते, बिल्किस का मामला नहीं है, निर्भया के लिए तो आप सड़कों पर आ गए थे, और निर्भया के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था ना, वहीं से माना जाता है कि उदय हुआ था आम आदमी पार्टी का, अभी तो आपके कोई बच्ची का हो जाता है आप फौरन उसको देने चले जाते हैं मुआवजा, आपकी पार्टी के लोग हाथरस जाकर नाच रहे थे, बिल्किस बानो पे आप नहीं बोलेंगे, आप स्कूल पर बोलेंगे ना, तो स्कूल में क्या शिक्षा देंगे, कि बलात्कारियों का जब सवाल आए तो सवाल को टाल जाना, जवाब देना मत, क्योंकि सीबीआई दरवाजे पर खड़ी है, लोग तो यही कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया, आपका लोग जो सम्मान करते थे वो मुझे लग रहा है आज सम्मान कम हो गया है, आपकी पार्टी में जिन लोगों की आस्था थी, मुझे लगता है आपकी पार्टी में आज लोगों की आस्था कम हो गई, अरविंद केजरीवाल को जो मुखर होकर जानते थे लोग हर मुद्दे पर ईमानदारी से बोलने के लिए, उनके लिए भी लोगों के अंदर अब कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन डाउन हो गई है। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, पत्रकार, बिल्किस बानो के साथ रेप और 14 परिजनों के हत्यारों की रिहाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 11 दोषियों को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया गया है। ज्ञात रहे सभ्य समाज की चुप्पी इस रिहाई को शोर मचाते हुए समर्थन दे रही है। नीचे कॉपियां टैग हैं उस जजमेंट की। निगाह परवीन लिखती है, निर्भया देश की बेटी थी, उसी तरह बिल्किस भी देश की बेटी है। जब निर्भया को लेकर पूरे देश में गुस्सा पनपा, उसी के बाद आपका उदय हुआ, आम आदमी पार्टी का। गुजरात में मनीष सिसोदिया सिर्फ स्कूल की बात करेंगे, बिल्किस की नहीं। अरे सिसोदिया जी, क्या स्कूल में यही पढ़ाओगे कि बलात्कारियों पर चुप रहना है। पुनीत कुमार सिंह पत्रकार लिखते हैं, बिल्किस बानो के सवाल पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मैं स्कूल की बात करता हूं, लगता है मनीष जी को सीबीआई का डर कुछ ज्यादा ही सता रहा है, कुछ ज्यादा ही सता रहा है। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ, भगवान न करे अगर वो किसी आम आदमी पार्टी के सदस्य के परिवार के साथ होता, तब आप पार्टी के नेता कहते हमसे इस पर बात मत करो, स्कूल पर करो, तब उन्हें क्या महसूस होता। सिर्फ एक बार बिल्किस बानो की जगह अपनी मां बहन को रखकर सोचिए, नहीं रख पाएंगे, सब राजनीति के लिए रखते हैं, आंसू राजनीति के लिए, राजनीतिज्ञों के। अनमोल प्रीतम पत्रकार लिखते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत न रखने वाले लोग कैसी शिक्षा देंगे, कैसा देश बनाएंगे, अपने स्कूलों में भी यही पढ़ाएंगे कि बलात्कारियों के खिलाफ मत बोलना, नहीं तो चुनाव हार सकते हो। केजरीवाल इस आदमी को आज का भगत सिंह बता रहे थे, और शर्मनाक, भगत सिंह ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे। भगत सिंह जुल्म के खिलाफ पहले बोलते हैं, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए बाद में। भगत सिंह ऐसे होते तो भगत सिंह वहां असेंबली में बम नहीं फेंकते, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते नहीं, वो फांसी का फंदा यूं ही नहीं चूम जाते, उन्हें पता था मौत हो सकती, नहीं घबराए, ये चुनाव हारने के डर से घबरा रहे हैं लोग बताते हैं, इसलिए बिल्किस पर नहीं बोल रहे। क्या नहीं लगता कि लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया। रणविजय सिंह कहते हैं, एक घर
दरिंदों की भीड़ और कुछ महिलाएं, दरिंदों ने महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया, उनको उनके घर के सदस्यों को मार दिया, एक छोटी बच्ची थी उसे फर्श पर पटक पटक कर मार दिया, जैसे तैसे एक महिला बची, नंगे बदन, तन पर गहरे घाव, मन पर गहरे घाव, नाम है बिल्किस बानो, भारत की बेटी है बिल्किस। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी देखिए, मैं ऐसे ही कहूंगा, विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उसको इतना क्यों मारा? भाजपा के नेता 2018 का 30 सितंबर का ट्वीट श्याम मीरा ने शेयर किया है। भाजपा के नेता पूरे देश में हिंदू लड़कियों का रेप करते घूम रहे हैं, अपने आंखों से पर्दा हटाइए, भाजपा हिंदुओं की तैशी नहीं है, आप बन रहे हैं ना, इसलिए बिल्कुल इस पे चुप हैं। श्याम मीरा लिखते हैं, श्रीमान केजरीवाल आप हिंदू लड़कियों के बलात्कार पर भाजपा से सवाल कर रहे हैं, आप मुस्लिम लड़कियों के ऊपर हुए अन्याय पर चुप क्यों हैं? बेटियां समान हैं तो आप बोलते क्यों नहीं, क्या आप इसके पक्ष में हैं? मैं मुसलमानों से कहता हूं, आपने अपना कोई नेता पैदा नहीं किया, कुछ नहीं किया। शाम अगले ही ट्वीट में पूछते हैं, आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा क्यों नहीं मांगते? क्या आप बलात्कारियों के साथ हैं? क्या आपकी बलात्कारी, आपको बलात्कारी पसंद है या बलात्कारियों से आपकी सहानुभूति? बिल्किस बानो के साथ की भेदभाव क्यों? उसकी जाति से, उन दरिंदों, उन हैवानों, उन राक्षसों की औलादों से, उनकी जाति से सबको सहानुभूति है, क्योंकि उसकी जाति बड़ा वोट बैंक है गुजरात में, मैं कहता हूं इसीलिए आजाद हुए। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, खत्म यहीं करता हूं कि ये बता देते कि सरकार बनी तो बलात्कारियों को वापस जेल भेजेंगे या स्कूल। मनीष सिसोदिया का बयान, उस पर ये सारी बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, दोनों खबरें हैं, अरब से मांग उठ रही है एक अलग, नाराजगी वहां भी है, और यहां जहां नाराजगी होनी चाहिए थी वो लोग जवाब देने से कतरा जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या बिल्किस बानो को इस तरीके की राजनीति रहते हुए कभी इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? जय हिंद।